यार मेरी अरान आर्मी कैसी है? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? मुझे पता है लाइफ में बहुत सारे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, सोल्यूशन अपने पास भी नहीं है, जो है एडजस्ट करो। खैर आप बात करेंगे हम लोग एड विटम, ये एक साईफाई फ्रेंच मिनी सीरीज है जो कि आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाती है फ्री में एमएक्स प्लेयर बीटा पर। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट एक एक घंटे के, यानी कि 49 मिनट से लेकर 55 मिनट्स के बीच में, ये करीब करीब एक घंटे के आप लोग समझ के चलो, तो क्या घंटे का ये मिनी सीरीज है। खैर अब बात करेंगे शो के प्लॉट की, जो कि फोकस करता है ऐसे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पर इंसानों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे वो लोग कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को रीजेनरेट बोलते हैं। अब कई सालों तक मतलब इस शो में बताया कि एक लेडी 169 ईयर्स तक जिंदा रही है, एकदम फिट एंड फाइन, यानी कि वो ओल्ड हुई नहीं है। तो वो किस वजह से? इस टेक्नोलॉजी की वजह से। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एक पुराना कलेक्टिव सुसाइड कल्ट, यानी कि 10 साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर सुसाइड की थी, तो उसको कलेक्टिव सुसाइड कल्ट कहते हैं। तो वो 10 साल पुरानी बात थी, लेकिन अब फिर से कुछ लोगों ने सुसाइड की है। तो अब हमारे शो के मेन कैरेक्टर है कॉप डेरियस आश्रम, उनको ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है कि भाई किसी तरह से पता लगाओ ये कल्ट फिर से वापस कैसे आया। तो अब वो इस केस में हेल्प लेते हैं एक ऐसी लड़की की जो इस कल्ट में बच गई थी, जिसका नाम है क्रिस्टा। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, मज़ा आता देखने के लिए, लेकिन बहुत हद तक ये सिमिलर लगता है नेटफ्लिक्स का एक शो आया था अल्टर्ड कार्बन, जिसमें आपको दो सीजन्स देखने को मिलते हैं, उससे सिमिलर लगता है, लेकिन एकदम सिमिलर नहीं है, टोटली डिफरेंट है। मगर कुछ हद तक हमको जब ये शो देखते हो, एटलीस्ट मुझे तो अल्टर्ड कार्बन शो की याद आ रही थी। उसके अलावा अगर शो में कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को शो में अच्छी तरह से डेवलप किया, स्पेशली डेरियस और क्रिस्टा, इन दोनों कैरेक्टर के बारे में अच्छी खासी डिटेल दी है, और इसी डिटेल की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये शो की जो पेसिंग है वो इतनी ज़्यादा स्लो है, इतनी ज़्यादा स्लो है कि मानो एक कछुए की जो रफ्तार होती है ना, वो भी इससे ज़्यादा फास्ट होगा। सीरियसली ये शो इतना ज़्यादा स्लो है कि आप एपिसोड्स को देखते दौरान नींद आ जाएगी आपको, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वेब सीरीज नहीं, नींद की गोली है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर किसी को ना पसंद आए, कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिनको इस तरीके के साइफा वाले शोज जहाँ पर हमें फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, यार ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर जो माइंड में रखता है उनको इस तरीके के शोज़ बहुत पसंद आते हैं, तो वो ये शो देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे जो वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं लेकिन उनको फास्ट पेस शोज़ देखना है, तो ये शो उनके मतलब का नहीं है। और इसी वजह से मैंने ऑलमोस्ट 4.5 एपिसोड देखा, उसके बाद मैं नमस्ते किया और मैं बोला भाई बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, और ये 4.5 एपिसोड भी मैंने रिव्यू करने के लिए किया था। खैर उसके बाद शो में अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे तो यस, हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया, मतलब कहीं से भी आपको ये शो लो बजट का या तो फिर ऐसा नहीं लगता कि यार ये फ्रेंच वाले लोगों ने शो बनाया तो वो उस लेवल का नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिनेमाटोग्राफी के मामले में एकदम कड़क है। शो का BGM मुझे ओके लगा, एकदम परफेक्ट नहीं, बस स्टिल ओके, अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यार यहाँ पर हर एक एक्टर ने अपने हिस्से को, रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, लेकिन जिस लड़की ने यहाँ पर क्रिस्टा को रोल प्ले किया यार एकदम फैबुलस जॉब। मैंने उसके एक भी सीरीज़ या मूवीज़ नहीं देखा हो, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली शो में देखा, मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से वो डायलॉग बोल रही थी या उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, और साथ साथ जिस बंदे ने यहाँ पर कॉप का रोल प्ले किया उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। शो की अगर एडिटिंग की बात करेंगे तो यार एडिटिंग बहुत गंदी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा शो में अननेसेसरी के इतने सीन से, और क्या पता वो डिटेलिंग में बताने के चक्कर में मतलब हर एक एपिसोड को फालतू में ड्रैग किया, जिसके मेरे हिसाब से यार 12 से 15 मिनट आराम से एडिट किए जा सकते थे ईच एंड एवरी एपिसोड। तो यार एडिटिंग थोड़ी सी गंदी की गई है। डायरेक्शन मुझे ओके लगा, मतलब अगर डायरेक्टर थोड़ा और रिसर्च करते या थोड़ा और स्क्रिप्ट पर ध्यान देते, स्क्रीन प्ले पर ध्यान देते, तो शायद ये और भी टाइट और भी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट होता। पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो ये शो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, कुछ एडल्ट सीन है जो कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएंगे। इस शो को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। अभी नहीं है कि शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, प्लॉट में ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 2.5 एपिसोड यानी कि 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू होते हैं, जो कि यार उतना इंडियन ऑडियंस के हिसाब से पेशेंस लेवल मुझे नहीं लगता कि है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।